टूडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज नेमिट्री एंड द टर्बिडीमिट्री इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरी फैक्टर्स एफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज टू टेक्निक्स क्या आप जानते हैं कि आसमान का कलर नीला क्यों होता है या सूर्यास्त के समय हमें सूरज का कलर लाल क्यों दिखाई देता है इन सभी चीजों के पीछे वर्क करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट A scattering of light because of the presence of the dust particles, the water molecules, and other gases in the atmosphere. And the efficiency with which the light is scattered depends upon its wavelength, which we denote. Karte the sky is blue because violet and the blue light are scattered to a greater extent than the other larger wavelength. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे आज हम इस वीडियो लेक्चर में फोकस करने वाले हैं। आइए इस फिगर की हेल्प से समझते हैं मान लेते हैं कि ये एक क्यूबिट है जिसमें हमने एक सस्पेंशन लिया है सस्पेंशन का मतलब है कि ये कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन होगा जिसमें कुछ इनसॉलिबल मटेरियल होंगे या कह सकते हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स होंगे जिनको स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है अब जब हम इस सस्पेंशन से लाइट को पास करेंगे तो कुछ अमाउंट की लाइट एब्जॉर्व हो जाएगी कुछ रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाएगी कुछ स्कैटर हो जाएगी स्कैटर कैसे होगी सपोज दिस इज द पार्टिकल तो लाइट की स्कैटरिंग हर डायरेक्शन में होगी दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और बाकी बची हुई लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी अगर हम ध्यान से समझें इस बात को तो जब भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स पर कोई लाइट पड़ेगी तो वो लाइट का कुछ अमाउंट एब्जॉर्व हो जाएगा कुछ अमाउंट ट्रांस कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाएगा कुछ अमाउंट स्कैटर हो जाएगा और बाकी बची हुई लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी सो so, वो टेक्निक ऑफ एनालिसिस जिसमें हम ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करते हैं उसे हम टर्बिडीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं और वो एनालिसिस टेक्निक जिसमें हम स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करते हैं उसे हम नेफ्लोमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिज टू टेक्निक्स अगर हम डेफिनीशन से स्टार्ट करें तो नेफ्लोमीटर वो टेक्निक है जिसमें हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जिसे प्लेस किया जाता है एट द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एज अ फंक्शन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड इट इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर वेरी डायल्यूट सस्पेंशन लाइक हंड्रेड एम जी पर एम एल अगर टर्बिडी की बात करें तो इसमें लाइट को पास किया जाता है एक ऐसे मीडियम से जिसमें डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं और इसमें इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र किया जाता है इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेफ्लोमीटर के लिए हम लोग नेफ्लोमेट्री मशीन यूज करते हैं फॉर द नेफ्लोमेट्रिक मेजरमेंट एंड मीटर इज यूज फॉर द टर् मेजरमेंट इव यू टॉक अबाउट द लाइट मेजर्ड तो हम नेफ्लोमीटर में स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करते हैं और टर्बिनी मीटर में ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करते हैं अगर हम डिटेक्टर के अरेंजमेंट को देखें तो जो भी स्कैटर्ड लाइट है वो राइट एंगल पर प्लेस की जाती है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारा क्यूवेट है और लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है स्कैटर्ड so लाइट हम 90 डिग्री एंगल पर मेजर करेंगे डिटेक्टर को हम 90 डिग्री एंगल पर प्लेस करेंगे अगर टर्बिडी मीटर की बात करें तो इसमें द मेजरमेंट इज मेड इन द सेम डायरेक्शन एज द प्रोप्रगेशन ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स इसका मतलब यह है कि अगर ये हमारा क्यूबेट है जिसमें हमने सस्पेंशन रखा है और लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है तो डिटेक्टर भी 180 डिग्री के एंगल पर सेम डायरेक्शन में रखा जाएगा अगर क्लिनिकल यूज़र्स की बात करें तो नेफ्लोमीटर को यूज़ किया जाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में इम्यूनोकॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में प्रेसिपिटेशंस एंड द लाइपोरोटीन डिटर्मिनेशंस। टर्बिडीमीटर को यूज किया जाता है इन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस प्रेसिपिटेशंस प्रेसिपिटेशवर डिजीज प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन एंड द सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर टेक्निक्स की सिमिलैरिटी की बात करें तो इज़ अ टेक्निक विच इज सिमिलर टू द फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस क्योंकि दोनों ही मेथड में हम स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करते हैं बट द डिफरेंस इज दैट कि फ्लोरोमेट्रिक मेथड में स्कैटर्ड लाइट की वेव लेंथ लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट बट नेफ्लोमेट्री में इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट दोनों की ही वेव लेंथ सेम होती है अगर टर्बिडीमेट्रिक मेथड को देखें तो ये सिमिलर होती है कॉलोरीमेट्रिक मेथड से क्योंकि दोनों में ही इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र किया जाता है बट डिफरेंस ये होता है कि कॉलोरीमेट्री में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है एब्जॉपशन की वजह से एंड टर्बिडीमेट्री में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती है टर्डीवि टर्बिडीविटी की वजह से तो क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी सस्पेंशन के लिए हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें टर्बिडीमीट्रिक मेथड के लिए जाना है या नेफ्लोमेट्रिक मेथड के लिए जाना है सो टर्बिडीमीट्री इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिवली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्योंकि इसमें पार्टिकल के नंबर ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ जब सस्पेंशन की कंसेंट्रेशन कम होती है तो हम जाते हैं नेफ्लोमेट्रिक टेक्निक के लिए क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स लेस होते हैं जिसकी वजह से स्कैटरिंग कम होती है सो दिस इज द नेफ्लोमेट्री मशीन एंड दिस इज द टर्बिडी मीटर विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स दैट कैन एफेक्ट द मेजरमेंट जिसमें पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है द कंसनट्रेशन ऑफ द मीडियम जिसे अभी हमने डिस्कस किया अगर कंसनट्रेशन हाई है तो हम टर्बिडीमेट्रिक मैथड यूज़ करेंगे और अगर कंसेंट्रेशन लो है तो हम नेफ्लोमेट्रिक मैथड्स के लिए जाएंगे द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द पार्टिकल साइज एज वी ऑल नो दैट द अमाउंट ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड इज अ फंक्शन ऑफ द पार्टिकल साइज़ मीन्स अगर पार्टिकल साइज़ लार्ज होंगे एज कंपेयर टू द वेब लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट तो रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस एंड द स्कैटरिंग विल टेक्स प्लेस जब सस्पेंडेड पार्टिकल के साइज सेम हो या स्मॉलर हो दैन द वेब लेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट और जैसा कि अभी हमने समझा कि हमें रिक्वायर्ड है स्कैटरिंग रेदर दैन द रिफ्लैक्शन इसके अलावा स्मॉलर पार्टिकल जो स्कैटरिंग प्रोड्यूस करते हैं वो सिमेट्रिकल पैटर्न के होते हैं और उनसे प्रोड्यूस होने वाली सेकेंडरी रेज की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बी अगर सिमेट्रिकल स्कैटरिंग की बात करें तो ये अगर हमारा पार्टिकल है जिसका साइज अगर स्मॉल है तो देयर विल बी द सिमेट्रिकल स्कैटरिंग बट अगर पार्टिकल साइज़ लार्ज है तो स्कैटरिंग की डायरेक्शंस भी सिमेट्रिकल नहीं होगी स्मॉलर पार्टिकल साइज़ के सिमेट्रिकल पैटर्न होने की वजह से ही जो सेकेंडरी रेज की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम और इसी वजह से हम नेफ्लोमेट्री में मेज़रमेंट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर अगर पार्टिकल साइज़ लार्ज होंगे तो बहुत कम सेकेंडरी रेज़ हमें 90 डिग्री के एंगल पर मिलेंगे और उसी वजह से हम मेज़रमेंट लेस देन 90 डिग्री पर ले सकते हैं लाइक like 45 डिग्री पर ले सकते हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें नोट डाउन ये करना है कि नेफ्लोमेट्री में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज़ होगा वो ना तो ज़्यादा बड़ा होगा या ना तो ज्यादा छोटा होगा अगर हमें यूवी या विजिबल स्पेक्ट्रम को यूज करना है एज अ इंसिडेंट लाइट देन द ऑप्टिमम पार्टिकल साइज शुड बी इन द रेंज ऑफ जीरो पॉइंट वन टू वन माइक्रोमीटर बट इन टबिडीमिट्री इफ द पार्टिकल साइज इज लार्ज देन वी विल नॉट गेट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द कंसनट्रेशन एंड इन दैट केस मेजरमेंट्स कैन नॉट बी वेरी एकोरेट नेक्स्ट फैक्टर एफेक्टिंग है पार्टिकल ज्योमेट्री पार्टिकल ज्योमेट्री भी दोनों ही टेक्निक्स को अफेक्ट करती हैं इसलिए जो भी चीज़ें पार्टिकल ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइक कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेम्परेचर एजिटेशन पी एच मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द टाइम अलाउड फॉर द पार्टिकल ग्रोथ सभी को हमें कंट्रोल करके पार्टिकल की ज्योमेट्री को मेंटेन करना होगा फॉर द करेक्ट मेजरमेंट्स द नेक्स्ट फैक्टर इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ये भी ऐसा फैक्टर है जो टर्बिडी को अफेक्ट करता है द जनरल प्रैक्टिस इज टू सेलेक्ट सच अ वेबलेंथ वे आर द सोल्यूशन डज नॉट एब्जॉर्ब स्ट्रोंगली अगर सोल्यूशन कलरलेस है तो हम सेम कलर की इंसिडेंट लाइट को यूज कर सकते हैं बट अगर सोल्यूशन के अंदर डार्क कलर के पार्टिकल्स हैं तो रेड लाइट या आईआर रीजन की लाइट को यूज किया जा सकता है नेफ्लोमिट्री में एब्जॉर्बशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसलिए वी कैन यूज व्हाइट लाइट जनरली

तो टर्बिनीमिट्री में सारे इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन को 180 डिग्री दैट इज एक लाइन में प्लेस किया जाता है जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रेडिएशन सोर्स से आने वाली लाइट लेंस पर जा रही है वो लाइट पास हो रही है सैंपल सेल पर देन द लाइट इज़ पास टू द ट्रांसमिटेड लाइट इज़ पास टू द डिटेक्टर तो यहाँ पर सभी इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन को 180 डिग्री दैट इज़ एक लाइन में प्लेस किया गया है बट अगर हम नेफ्लोमेट्री की बात करें तो यहाँ पर जो रेडिएशंस आ रहा है वो लेंस से पास होता हुआ सैम्पल होल्डर पर जा रहा है और सैम्पल होल्डर से जो डिटेक्टर है वो 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस किया गया है साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिख रही है एक ग्रेजुएटेड डिस्क दिस इज़ द ग्रेजुएटेड डिस्क विच अलाउज़ द मेज़रमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स लाइक फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी डिग्री एंड वन थर्टी फाइव डिग्री द स्कैटर्ड लाइट इज फॉल ऑन द डिटेक्टर बट द डेविएटेड लाइट पासिस टू द लाइट ट्रैप जो भी डेविएटेड लाइट है वो लाइट ट्रैप से ट्रैप कर ली जाती है सो वॉट आर द रेडिएशन सोर्सेस वी कैन यूज़ द टस्टेंट लैम्प द मर्करी आर्क और द लेज़र द हिलियम एंड द न्यून लेज़र इन बोथ ऑफ दीज टू टेक्निक्स और रेडिएशन सोर्स से पास होने वाली लाइट फिल्टर से पास होती है फिल्टर्स यहाँ पर मोनोक्रोमीटर्स की तरह वर्क करते हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करते हैं अगर सैंपल सेल की बात करें तो सैम्पल सेल रैक्टेंगुलर होता है टर्बिडीमेट्रिक मेथड में यहाँ पर हमें रैक्टेंगुलर सैम्पल सेल दिखाई पड़ रहे हैं बट अगर नेफ्लोमेट्री की बात करें तो यहाँ पर जो सैम्पल सेल है वो सेमी ऑक्टागोनल सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं शेप हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है दिस इज द सेमी ऑक्टागोनल सेल और इस सेल को इसलिए यूज किया जाता है जिसे हम डिफरेंट एंगल्स से स्कैटरिंग का मेजरमेंट कर सके यहाँ पर 90 डिग्री की स्कैटरिंग मिलती है यहाँ से हमें 45 डिग्री की स्कैटरिंग मिलती है और यहाँ से हमें 135 डिग्री की स्कैटरिंग मिलती है और इसीलिए हम सेमी ऑक्टागोनल सेल्स को नेफ्लोमीटरी में यूज़ करते हैं डिटेक्टर्स की बात करें तो फोटो ट्यूब्स आर द डिटेक्टर्स विच आर यूज इन द टर्बिडीमीटर बट द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स आर यूज इन द नेफ्लोमीटर्स नाउ वॉट आर द एप्लीकेशंस

यूज़ किया जाता है फॉर द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन वी कैन चेक द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर एंड वी कैन चेक द टर्बिडिटी इन द वाटर पॉल्यूशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए भी इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक एनालिसिस में इनसे हम डिटर्माइन करते हैं बेंजीन की कंसेंट्रेशन को अल्कोहल में और इनऑर्गेनिक एनालिसिस में हम इनको यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सल्फेट एज बेरियम सल्फेट कार्बोनेट एज बेरियम कार्बोनेट क्लोराइड एज सिल्वर क्लोराइड एक्सेट्रा दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स द टर्बिडिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल इज रिलेटेड टू इट्स मॉलिकुलर वेट हम टर्बिडिटी को वाई एक्सेस पर एंड कंसेंट्रेशन को एक्स एक्सेस पर कंसिडर करके प्लॉट बनाते हैं एक्स एक्सिस पर वी कैन टेक द कंसेंट्रेशन वाई एक्सेस पर वी कैन टेक द टर्बिडिटी और हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है और इस कर्व को हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेट ऑफ द पॉलीमर इन दोनों ही टेक्निक्स को हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं स्पेशली टू चेक द क्लैरिटी ऑफ द फ्रूट जूसेस नाउ वॉट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस The advantage of both of these two techniques are the rapidity of the procedure and the simplicity of the measurements, but the disadvantage is, is the lack of accuracy of the measurement.